ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है, आज ओपनिंग फिल्म हम लोग थिएटर में देख रहे हैं ईस्टर्न बॉयज़। और ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है जो कहीं भी आप दिल्ली, मुंबई, नागपुर, नासिक कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन ये सारी फिल्में जो रिलीज़ नहीं हुई हैं थिएटर के लिए और इंडिया में शायद आएंगी नहीं मालूम, वो आप आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं, उनको वोट कर सकते हैं। मैं बहुत सारी फ्रेंच फिल्में देखता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि बोलूँ, मैं समझ में आती है। आप फिल्में देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। हर तरह की फिल्म होती है, रियलिस्टिक भी होती है और सरियल भी होती है। और एमिली जैसी फिल्म भी फ्रांस में बनती है, वो है इस फिल्म में आपको जो एक नज़रिया देखने को मिलेगा जो हर फिल्म मेकर के साथ यूनिक होता है, कि कोई दो फिल्में एक जैसी नहीं मिलेगी आपको। फाइनल डिस्कशन होने वाला ये तो मुझे पता नहीं किस टॉपिक पर होने वाला है, वो तो अंदर जाऊँगा तभी पता चलेगा, लेकिन जो भी होगा फ्रेंच सिनेमा के ऊपर होगा, ऑनलाइन सिनेमा के ऊपर होगा। अरे वो हर फिल्म रिसर्च होती है। अगली फ्रांस में रिलीज़ हुई थी मई में, इंडिया से 7 महीना पहले, वहाँ काफ़ी सराही गई थी। कुछ नहीं, अभी तो हम लोग शुरू करेंगे हंटर से। हंटर एक फिल्म आएगी, फिर NH10 आएगी और फिर बॉम्बे वेलवेट आएगी। अभी 3 फिल्में हमारी जो है एक के बाद एक आएंगी। मैं तो कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग कब हमारा सिनेमा हमारी चीज़ें इस लेवल पर इवॉल्व होगी। फ्रांस में अगर आप जाएँ तो दुनिया भर का सिनेमा जो आपको देखना है आप एक कंट्री में आराम से देख सकते हो। उस कंट्री में क्योंकि हर दुनिया भर का अच्छा सिनेमा रिलीज़ होता है जो हर जगह होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा कहीं होता नहीं है। देखो भाई, ये फिल्में आना जरूरी है। हर चीज़ जो है केटरिंग नहीं होता ना, इंडियन ऑडियंस को तो समोसा और के अलावा कुछ अपील नहीं करता ना वो दिन, बाकी सब रेस्टोरेंट भी तो खुलते ना, तो अपील की बात नहीं होती। ये सिनेमा है जो लोगों को देखना चाहिए, जब तक देखेंगे नहीं उनके माइंड खुलेंगे नहीं, फिर वो एक ही तरह का सिनेमा देखेंगे और वही सिनेमा 4 साल चलेगा, फिर फ्लॉप होने लगेगा, फिर बोर हो जाएंगे, फिर नया ट्रेंड आएगा, फिर 4 साल वही चीज़ चलेगी। हम लोग कब तक वो बिजी बेटे फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे? ऑडियंस को इवॉल्व होना जरूरी है। आप बोल रहे हो ऑडियंस मीडिया कर रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस ने अपने आप को चांस ही नहीं दिया। नर्वस नहीं लग रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आके, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह दोपहर को आप लोग सब मिले थे और आज वापस से आ गए। गर्मी हो रही है बस और कुछ नहीं। बहुत इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, बिकॉज फ्रेंच सिनेमा मुझे बहुत 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 पसंद है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, बट जो भी जितनी भी फिल्में देखी है मैंने फ्रेंच में, मुझे बहुत पसंद है। एमिली मेरी सबसे फेवरेट फ्रेंच फिल्म है, एक बारबेरियन इन्वेजन जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर मेरा बस चलता तो उसके रीमेक राइट्स खरीद के मैं सीधा उसे हिंदी में बना डालता। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट अगर ऐसी फिल्में अगर फ्री में अगर सबको मुहैया कराई जाएँ तो वो उसका और ज़्यादा प्रचार होगा, लोग देखेंगे कम से कम, और एक बार उनको लत लग जाएगी तो फिर वो खुद खरीद कर भी अपनी DVDs लेकर आएंगे। और वैसे ऑनलाइन तो लोग पहले भी फ्री देखते थे, ये अच्छी बात है कि इनको ज़्यादा पता है पायरेसी के बारे में। ये अच्छी बात है कि लीगली फ्री देख रहे हैं। So it was not easy because the problem was that there were a lot of ideas culminating from the Indian market. There were other people trying to get the same festival into India, but somehow the Unifrance team as well as the French embassy had a confidence in Half Ticket and they went ahead with Half Ticket. We are so proud and so happy to be present in India for the first time this year, thanks to Jagdish and his courage, because it's very new, so who knows if it's gonna work. So we are very thrilled and excited.